अपने लिए सोना भी बनवाई। प्रधानमंत्री जी, मैं तो दिन में तो देखती थी सपने, लेकिन रात में सोने में भी मैं आपको ही देखती थी। दीदी लखपति हो गई तो दादा का क्या हुआ? उनके पति भी हो गए सर। इतने सारे काम कैसे करोगी? जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव, मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि हमारे जनजाति भाइयों से ऐसे रूबरू बात करे। कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम पक्का मकान पे रहेंगे, कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम शौचालय में। अब तो राष्ट्रपति आदिवासी है। मैं किराना का दुकान चला रही हूँ, सब्जी उत्पादन कर रही हूँ, कृषि कार्य कर रही हूँ, और समूह से ही ट्रैक्टर खरीदी और ट्रैक्टर खरीद कर कृषि कार्य कर रही हूँ। और मैं समूह के दीदियों के वजह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ। और मुझे तो इतने सारे काम कैसे करोगी? आप समिति की जिला की अध्यक्ष, फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव, मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। मेरी घर की आज आमदनी, मैं आजीविका मिशन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। परिवार की आय तो बहुत बढ़ गई होगी। जी सर। आप जोर से बोलिए जरा, इनकम टैक्स वाले सुने। जी सर, मेरे परिवार की आय तो लगभग आज हम अपने परिवार पूरे मिला के 4.5 लाख रुपए हम सालाना कमाते हैं सर। वाह। हमने एक समिति बनाई अपनी 3 समूहों को मिलाकर, जो यहीं पे सोनवर्षा गांव में 25 हेक्टेयर की एक बांध है, जिसमें हमने लीज के लिए 2015 में ली। और आज मेरी दीदी लखपति के रूप में उभर रही हैं और उनके पतियों को भी एक अच्छा रोजगार मिला। तो ये दीदी लखपति हो गई तो दादा का क्या हुआ? उनके पति भी हो गए सर, क्योंकि वो मछली पालन से, नाव से अपना मछली पालन कर रहे हैं और मार के स्वयं से व्यवसाय कर रहे हैं। ये आजीविका मिशन के माध्यम से जैविक खेती, नए पद्धति से सब्जी लगाने की ट्रेनिंग मिली, उससे माननीय प्रधानमंत्री जी मैं सब्जी उत्पादन और हल्दी उत्पादन का कार्य शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उस 3 गतिविधियों से मेरा महीने की आमदनी 17 से 18 हजार रुपये है। और पैसे इतने सारे कमा रहे हैं तो फिर इन पैसों का क्या करते हैं? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने इस पैसे से अपने लिए सोना भी बनवाई, अपने हस्बैंड के लिए, जो पहले साइकिल से हमको भी लेके जाते थे ब्लॉक, वहाँ जाना पड़ता था बैंक, तो साइकिल से जाते थे, उनके लिए 2-व्हीलर भी ली। आपके आने से इतना मैं खुश हूँ कि मैं 2 घंटे भी बताऊंगी तो बता ना पाऊंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तो दिन में तो देखती थी सपने, लेकिन रात में सोने में भी मैं आपको ही देखती थी। और जिस दिन कार्यक्रम कैंसिल हुआ था, देखिए आप जैसी दीदी का आशीर्वाद, आप जैसी मातृशक्ति का आशीर्वाद, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो कुछ भी काम कर सकता हूँ वो देश भर की आप जैसी माताएं बहने, उनके आशीर्वाद है, उसी से कर पा रहा हूँ। जिस दिन मुझे मैसेज मिला कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया, उस दिन तो खाना ही नहीं खाए थे। अरे रे रे रे। लेकिन मैंने वादा किया था कि मैंने कहा है तो मैं आऊंगा, हमारी गारंटी मैंने पक्की होती है। इस बार बजट में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है, वो योजना 2 साल के लिए है। वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, FD करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ बहनों के लिए एक विशेष ब्याज की योजना से 2 साल के लिए स्कीम बनाई है। मैं चाहूँगा, अब आप लखपति दीदी हो गई हैं, सोना ही खरीदते रहेंगे क्या? थोड़े पैसे जमा कीजिए। आज हमारा जनजाति जो सम्मान के पात्र हुआ है, शोषित और वंचित समाज पर गिना जाता था, आज एक सम्मानजनक प्राप्त हुआ है। जैसे हमको PM आवास के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड, ऐसे सभी चीज हमको लाभान्वित हुए हैं। अपने जनजाति समुदाय की ओर से जय जोहार। जय जोहार। आज जिस पहलू पर आपके दर्शन साक्षात हो रहे हैं, ऐसे कभी हम सपने में भी नहीं सोच पाते थे कि PM साक्षात हमारे से संवाद करेंगे। कि हमारी समिति ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया, हम लोग, हमारे गांव के लोगों ने, हमारे साथ सदस्य बैठे हुए हैं, हम सभी ने निर्णय लिया
कि हम लोगों को रासायनिक खाद कम से कम उपयोग करना है, जैविक खाद, मटका खाद, पांच पत्ती खाद और पांच पत्ती और हमारा ये कांडा पानी। इस तो बहुत पुरानी पद्धति है, लोग छोड़ दिए थे जी, लेकिन अब इस समय जब से होड़ से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि भाई हमको इसको अपनाएंगे, दो पैसे हमको बचेगी। यहाँ तो मेरे ग्राम पंचायत में एक ही अमृत सरोवर बना है, बना जी, कितना बड़ा बना होगा, लोग इकट्ठे होते हैं क्या? अरे अरे मस्त मानवर, क्या कह रहा है, ऐसा लगा गार्डन आए, इतनी सुंदर चिड़िया चक्की, मतलब गार्डन तो बुढ़ार सैडोल के हमारे लोग सब वहाँ घूमने फिरने जाते हैं, मानवर इतनी सुंदर बनी है। मान ली जो हमारे महापुरुष थे जैसे वीर सीताराम कंवर जी, हमारे बिरसा मुंडा जी, हमारी रानी दुर्गावती जी, इन्होंने आपने भगवान का दर्जा दिया है, उसके लिए हमारे जनजातीय भाइयों की तरफ से तहे दिल से आपको अभिनंदन और वंदन। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे सामने आमने सामने हम बात कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि हमारे जनजाति भाइयों से ऐसे रूबरू बात करें। खासकर बोलने को तो बहुत कुछ है पर आप सामने खड़े हैं, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। रानी दुर्गावती जी का 500वां जन्म जयंती आ रहा है 5 अक्टूबर को, तो हमने तय किया है कि भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान में उनकी 500वीं जयंती मनाएगा और साल भर मनाएगा। फुटबॉल में इतना क्रेज कैसे है, इसलिए क्या कारण है, हर घर में बोलते हैं कि मैं यहाँ तो फुटबॉल वाले हैं। सर, शहडोल संभाग में नए नए क्लबों का गठन किया गया सर, करीब 1000 क्लबों का। 1000 क्लब? जी सर। वाह, देखिए जितने प्रकार के बुराई आती है ना, मुझे पक्का विश्वास है आपके यहाँ नहीं आती होगी, क्योंकि खेलता है ना वो खिलता है। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ कोई गांव है जिसको कहते हैं मिनी ब्राजील। करीब 50 वर्षों से सर हमारे यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। 50 साल से? जी सर। अच्छा सर, हमारे हर घर में फुटबॉल खिलाड़ी है सर, हर उम्र के बालक बालिकाएं सर फुटबॉल खेलते हैं। जी सर, हमारे गांव की आबादी सर लगभग 250 है, जिनमें सर 45 बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया हुआ है सर। अरे वाह। जी सर, इसीलिए हमारे मुझे मन की बात में कभी आपके ये गांव के लिए बोलना पड़ेगा। हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, खिलाड़ी में बोला जाए तो सभी के खून में ही फुटबॉल दौड़ता है सर। जी सर। देखिए मेरे लिए भी ये बड़ा सुखद अनुभव है, मैं बताता हूँ कि हमारी पूरा यानी 2-3 पीढ़ी एक खेल के पीछे इतना पागलपन हो, और उसके कारण एक हर प्रकार के और गांवों से जहाँ खेलते होंगे उसका वातावरण ही अलग होगा, उसका मिजाज अलग होगा। आपके चेहरे पर आपका कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ, ये एक बड़ी ताकत आप लोगों ने प्राप्त की है जी, मैं तो आप सबको सलाम करता हूँ। मैं एरोबिक्स डांस एरोबिक्स, अच्छा, और जुम्बा और डांस का फिजिकल ट्रेनर भी हूँ। तो फिर तो आपके यूट्यूब पर भी होंगे डांस आपके? जी सर है, है? जी सर। हाँ तो मुझे बता दीजिए भाई कौन सा यूट्यूब है आपका? सर मेरा अभय पासवान के नाम से यूट्यूब चैनल है। देखना पड़ेगा मुझे कैसा डांस करते हैं। जी सर। कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम पक्का मकान पे रहेंगे, कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम शौचालय में। आप तो राष्ट्रपति आदिवासी हैं। लेकिन आज हमारे आदिवासी भाई बहने इतने खुश हैं, और मैं बहुत बहुत आपको कोट को हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका जो कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, ये देश भर के लोगों को प्रेरणा देगा। आप में से बहुत लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि आप में से फिर से कोई व्यवस्था करें, आपको जो कुछ कहना है मेरे तक पहुंच जाए, मैं जरूर आपकी बात पर ध्यान दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जोहार। जय जोहार।